जय जवान जय किसान जय बलराम। नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंदौर मंडी भाव यूट्यूब चैनल पर। मैं भरत रोज की तरह आपको दिखाने वाला हूँ इंदौर मंडी में भाव। किसान भाइयों, एक सूचना है जो आप सुन लीजिए, क्योंकि बहुत सारे किसान भाई मुझसे इस बारे में बात कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि इस तरह से कहने के उस चीज़ का समाधान निकाला जा सकता है। तो आप ये सुन लीजिए एक बार। किसान भाइयों, कुछ किसान भाई मुझसे अपना अक्सर नंबर मांगते हैं कि आपका नंबर दे दीजिए, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नंबर मैं आपको ज़रूर दे दूँगा। अभी मैं आपको नंबर नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि नंबर मैं सोच रहा हूँ एक मोबाइल अलग से ही रखने का सोच रहा हूँ। मैं पुराना मोबाइल है, उसमें अपन व्हाट्सअप चला लेंगे और उसमें ज़रूर मैं वो नंबर आपको कहीं ना कहीं दे दूँगा। तो आप जो भी बोलना चाहते हैं वो व्हाट्सअप के माध्यम से मैसेज करके मुझे बता दीजिएगा। और अगर ऐसा कुछ ऐसा अर्जेंसी वाली या कोई चीज़ें ऐसी जो आप मुझे बोलना चाहते हैं तो आप फ़ोन भी लगा सकते हैं। बट देखिए, आप मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि इतने मतलब ये मान के चलिए कि वो नंबर मैं इसीलिए नहीं दे रहा था ताकि मैं ये काम ठीक से कर पाऊँ आपको भाव तरीके से, या मैं इस चीज़ में, क्योंकि मैं आपको बता दूँ कि भाव के अलावा भी मुझे दूसरा काम भी करना रहता है जिससे। तो अगर जिन किसान भाइयों को मुझसे बात करनी है या फिर मैं बोलूँ कि उनको कुछ काम है मुझसे, तो व्हाट्सअप के माध्यम से मुझे मैसेज कर दीजिएगा। और अगर ऐसा कुछ विशेष रहा तो मैं बिल्कुल आपको कहने के फ़ोन लगा दिया करूँगा आप लोगों को। तो बस यही मेरा छोटा सा निवेदन है, क्योंकि मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था कि बार बार किसान भाई मुझसे बोल रहे थे आपके नंबर दे दीजिए। किसी कारणवश मैं नंबर नहीं दे पा रहा था, क्योंकि आप भी इस चीज़ को समझते हैं कि अगर मैं अगर अपना नंबर देता हूँ तो मुझे पता है कि मैं दूसरा काम जो दोपहर बाद में जो अपना काम करता हूँ हो सकता है वो नहीं कर पाऊँ, या जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब किसान भाइयों के फ़ोन आए। मैं अच्छा लगता है, मैं ये नहीं बोल रहा मुझे अच्छा नहीं लगता कि वो मुझे फ़ोन करेंगे सारी चीज़ें, पर आप खुद देखिए अगर ये सारी चीज़ें बहुत मात्रा में होगी तो मैं न ठीक से काम कर पाऊँगा, न आप लोगों के लिए वीडियो लेके आ पाऊँगा। तो मैं एक नंबर रखने वाला हूँ जो कि मैं आपको बहुत जल्दी दे दूँगा और उस पर आप मुझसे बात कर सकते हैं। उस पर आप अपना व्हाट्सअप मैसेज मुझसे ड्रॉप कर दीजिएगा। तो जिस बेसिस पे मुझे लगता है कि हाँ ये वाकई में जिनाए ने मुझे आपसे बात करनी चाहिए, तो डेफिनेटली मैं आपको उस पर फ़ोन कर दिया करूँगा। क्योंकि मुझे भी बीच बीच में बुरा लगने लग गया कि किसान भाई सोचते होंगे कि यार हम उनसे कॉन्टैक्ट का बोल रहे हैं, नंबर नहीं दे रहे हमको। तो फिर मैंने सोचा कि एक अलग ही नंबर रख के अगर जिसमें कुछ मैसेज अगर विशेष मैसेज रहता है तो उसका ज़रूर रिप्लाई दिया जाए। बाकी जो कॉमन मैसेज रहेंगे उनको वीडियो के माध्यम से जो भी बोलना चाहते हैं वीडियो के माध्यम से, अगर मान लो जैसे 100 मैसेज आए तो 100 मैसेज में मुझे लगता है कि 90 मैसेज ऐसे हैं जो वीडियो के माध्यम से सबको रिप्लाई या सबको जवाब दिया जा सकता है, तो मैं डेफिनेटली वीडियो के माध्यम से दे दूँगा। कुछ मैसेज ऐसे रहेंगे जिनको वीडियो के माध्यम से नहीं दिया जा सकता है, दो चार अलग मैसेज उनको हो सकता है फ़ोन लगा दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हो जाएगी, हम धीरे धीरे उस चीज़ पे काम कर रहा हूँ मैं। तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा कि मैं आपको अपना अभी प्रॉपर नंबर नहीं दे पा रहा हूँ, बाकी बहुत जल्दी मैं अपना नंबर आपको दे दूँगा। चलिए, जय जवान जय किसान जय बलराम।